छुरिया प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस ने तहसील कार्यालय में गौ माता ले जाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस नेता गौठान की व्यवस्था बंद किए जाने से काफी नाराज हैं। वहीं किसानों की फसल पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने तहसीलदार विजय कोठी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक, प्रभारी जिला कांग्रेस महामंत्री समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गौ सत्याग्रह हमारी 2018 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसमें गौ माता का सम्मान करने का काम किए, गोधन न्याय योजना लाई और गौ माता का गौठान के माध्यम से सम्मान करने का काम हमारे कांग्रेस की सरकार ने किए थे। इनके जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गौठान को बंद करने का काम किए, गोधन न्याय योजना को बंद करने का काम किया, कुल मिलाकर गौ माता का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किए कर रहे थे और कर भी रही है कि ऐसे सरकार को एक प्रदर्शन के रूप में आज हम सब मिलकर गौ सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए।